हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन। आज मैं आपके साथ मीशो के कुर्ता सेट हैं वो शेयर करूंगी, क्योंकि अगर हमारे दिवाली और करवा चौथ जैसे ही ख़त्म होते हैं हमारी मैरिजेस स्टार्ट हो जाती हैं, और विंटर्स में जब मैरिजेस होती हैं तो हमें जो हमारे वेलवेट के कुर्ता सेट हैं वो सबसे ज़्यादा हमें कंफर्टेबल रखते हैं कि उनको वियर करना और उनके साथ अपनी पार्टीज को अटेंड करना। तो आज मैं आपके साथ वेलवेट के कुर्ता सेट ही शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट भी है ये, देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है मेरे पास ये ब्लू वाला। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको टू पीस मिल जाता है। ये है इसका कुर्ता, ये देखिए प्रॉपर वेलवेट में है, बिल्कुल सॉफ्ट वेलवेट है। ठीक है, और ये इसके नेक पे है, ऐसे वी नेक है, और ये पैच लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसकी बैक साइड पे दिखाऊं तो ये पैच स्ट्रेच्ड है, आपको बैक पे कुछ नहीं आएगा, मींस आपको चुभेगा नहीं, इसीलिए लाइनिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चुभेगा भी नहीं। ये देखिए ये फुल प्लेन है। मैं अपना ट्राई ऑन भी आपको साइड पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्लेन है नीचे तक, और बैक साइड भी इसकी प्लेन है, बट जो इसकी स्लीव्स हैं, इसकी स्लीव्स पे भी आपको ऐसा ही पैच मिलेगा, ये देखिए। और जैसे ये कॉइन की शेप की लेस है, ये आपको लगी हुई मिलेगी, ये देखिए प्रॉपर पैच है। और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, कोई ये नहीं है कि भी आपको कोई प्रिंट है या कोई ऐसे नहीं है, ये प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड है, आप खुद देख लीजिए, गोल्डन वाइट और रेड में। और जो इसकी फ्रंट पे भी जो लेस है वहाँ पे भी आपको ये कॉइन्स वाली जो लेस है वो मिल जाएगी, ये देखिए। ठीक है, ये ब्लू कलर में है, इसमें आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको रेड भी मिल जाएगा और ब्लू भी मिल जाएगा। एक्चुअली मेरे पास रेड बहुत है तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर नहीं किया रेड, बट रेड भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये ब्लू है, ब्लू भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लू मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा चलो ब्लू को ट्राई करते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे, साइजेस भी इसमें अवेलेबल होंगे मेरे पास। मैंने जो साइज लिया है वो है एक्सेल, ये देख लीजिए मेरे पास जो साइज है वो है एक्सेल। और ये है इसकी पैंट, इसकी स्ट्रेट पैंट है, इलास्टिक है पूरा। ठीक है, दोनों साइड से फोर, मतलब कि प्रॉपर, और ये प्रॉपर ऐसे ही प्लाजो की शेप में बना हुआ है, और ये नीचे आपको ऐसे ही एक गोल्डन वाली लेस और आपको क्वाइन वाली नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है मुझे। ठीक है, हल्का सा, मतलब कि जैसे होता है ना कि मतलब थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा सा चिपकता है कभी कभार, ठीक है वैसे मुझे हुआ था, लेकिन अगर आपने नीचे इनर वगैरह वियर किया हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा लुक देगा। ठीक है, मैं इसके साथ आपको दुपट्टा नहीं है, मैंने दुपट्टा अपनी तरफ से लिया है ये वाला। ठीक है, आप ट्राई ऑन में देख रहे होंगे, तो मैंने ये दुपट्टा ये लिया है। चाहे तो आप इसके साथ सिंगल कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके साथ रेड कलर में भी दुपट्टा ले सकते हैं। रेड कलर का दुपट्टा, जैसे बनारसी का दुपट्टा आता है, वो भी आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं। मेरे पास वो भी है, डिपेंड करता है कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे ब्लू कलर्स भी हैं, इसमें ब्लू भी था और रेड भी है, तो मैंने ये दुपट्टा लिया, अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये दुपट्टा कैसा लगा। ये दुपट्टा मैंने ऑफलाइन लिया है, मैंने ये ऑनलाइन नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब साड़ीज हम वेयर करते हैं। मैं साड़ीज रेगुलर तो नहीं वेयर करती, मैं साड़ीज मोस्टली ओकेजन्स पे ही वेयर करती हूँ, ओकेजनली, जैसे मैरिज वगैरह है, कोई फंक्शन है, तभी मैं साड़ीज वेयर करती हूँ, तब मैं उसके लिए मैंने ये लिया है। ये है साड़ी शेपर, और मैं इसको दो तीन बार वेयर कर चुकी हूँ और तभी मैं अपनी फीडबैक दे रही हूँ। ये एक लाइक्रा के स्टफ में है और स्ट्रेचेबल है प्रॉपर। ठीक है, और इस नीचे से आपको प्रॉपर राउंड नट, मतलब कि सॉरी, जैसे हमारी होती है ना ए लाइनिंग, वैसे ऊपर से टाइट जैसे फिश कट होता है, वैसे ये आपको मिल जाएगा प्रॉपर। और इसमें भी मैंने अपना जो साइज लिया है वो है एक्सएल, ये भी आपको अंडर 300 मिल जाएगा। ये सूट है, ये सूट भी आपको जो ब्लू वाला है ये आपको अंडर 800 मिल जाएगा। जो एग्जैक्ट प्राइसेस इनके होंगे वो मैं आपको ऊपर अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, इनके जो प्राइसेस हैं।
और जो इनके परचेज लिंक हैं वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारी साड़ी है उसकी लुक बहुत अच्छी आती है, मीन्स प्रॉपर फिटिंग फिटेड होके हमारी साड़ी इसके साथ फिट हो जाती है, क्योंकि जो दूसरे हम यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा बहुत लूज होते हैं, तो ये आपकी साड़ी के मतलब कि शेपर जो हैं वो आपको प्रॉपर फिट कर देंगे, ठीक है। और ये कंफर्टेबल हैं, उठना बैठना चलना फिरना बहुत इजी है, कोई इसके साथ टफ नहीं होता, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है तो हम साड़ीज लहंगा भी अगर आपने डालना है तो आप लहंगे के साथ भी इसको वियर कर सकते हैं ताकि लहंगे की शेप प्रॉपर आ जाएगी। तो ये आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। मेरे पास ब्लू कलर मैंने मंगवाया है क्योंकि मेरा ब्लू था साड़ी, ठीक है, तो अब मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसको दो तीन बार यूज कर चुकी हूँ, अब नेचुरली मैं इसके दो तीन कलर्स और लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया है, ये है सेट ज्वेलरी, ये थ्री पीस ज्वेलरी है, ये देखिए ऐसे मैं आपको वियर करके भी दिखाऊंगी अपना ट्राई ऑन में, और ये मेरे पास प्रॉपर ऐसे बॉक्स में पैक होकर आई थी और बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये इसका लॉन्ग वाला है, ठीक है, ये इसका लॉन्ग वाला है, ये देखिए, ठीक है, इसका डिजाइन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और मैरिजेस वगैरह पे वियर किया हुआ बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा अच्छे मुझे इसके इयररिंग्स लगे, इयररिंग्स भी बहुत सुंदर हैं। और ये है छोटा, मतलब कि जैसे आपने एक डालना है आप एक डाल लीजिए, दोनों डालने हैं आप दोनों डाल सकते, मैंने आपको दोनों ही वियर कर कर दिखाए हैं, ठीक है, ये देखिए, चाहे आप कोई भी एक डाल लीजिए जैसे आपका मन करे, ठीक है। उसके बाद आपको ये इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स अलग से पैक होकर आए थे, पैकिंग बहुत अच्छे से आई थी, ये देखिए इसमें छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं और नीचे मोती भी लगे हुए हैं, ग्रीन और पिंक जैसे हैं स्टोन्स वो भी हैं, और मीना है, ये देखिए सेम जैसे नेक पीस है, नेक का डिजाइन है वैसे ही ये डिजाइन है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैंने अपने इवन की सूट्स के साथ इन्हीं को ही वियर किया था, ये देखिए ये सेम ही डिजाइन है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी अपनी मैरिज वगैरह फंक्शन के लिए आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने एक लिया है टेबल, जैसे बच्चे बेड पे बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेरे पास दो थे, एक खराब हो गया था तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन ट्राई कर देखती हूँ कि कैसा आया है, ये देखिए ये है, ये प्रॉपर इसका, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका स्टैंड है, मतलब कि नीचे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप अपना टैब वगैरह रख सकते हैं, वैसे ये निकल जाता है, ठीक है, आप अपना टैब वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना गिलास वगैरह पानी वगैरह पीना है या फिर आप अपना पेन वगैरह पेन स्टैंड वगैरह वहाँ पे रख सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी में आया है, आगे पीछे माइका वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, ये देखिए, और अच्छी क्वालिटी में है, मीन्स अंडर 300 है, तो अंडर 300 के अकॉर्डिंगली अगर हम कहें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है वो नहीं, मतलब नॉर्मल है, बच्चे इसको आराम से यूज़ कर रहे थे, मतलब कल पहुंचा था तो बच्चे इसके ऊपर बैठकर होमवर्क कर रहे थे बड़े आराम से और अच्छे से हो रहा था, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक प्रॉपर एक कार्डबोर्ड में आया था पैक होकर, ये देखिए ऐसे प्रॉपर कार्डबोर्ड में पैक होकर आया था, कोई ऐसे ही नहीं मीन्स ऐसे ही भेज दिया, प्रॉपर इसमें पैक होकर आया था और भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ये वाला लास्ट, ये वाला ग्रीन वाला सूट, तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपका कोई घर का कोई फंक्शन है, कोई मेहंदी का कोई फंक्शन है, आप उस पर भी इसको वियर कर सकते हैं, इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, और भी कलर ऑप्शंस हैं, और इसमें आपको साइजेस भी अवेलेबल हैं, आप साइजेस भी ले सकते हैं, ये देखिए ये इसका पूरा फ्रंट है, ठीक है, ये देखिए शाइन कर रहा है, मैं आपको ट्राई ऑन में भी लगा दूंगी,
और ये साइड्स पे इसके ऐसे ही लाइन है और नीचे जस्ट ये गोल्डन की ऐसे पाइपिंग है। ठीक है, ऊपर भी इतना हैवी हो नीचे भी इतना हैवी हो वो नहीं इतना अच्छा लगता है। ये देखिए और स्लीव्स भी देखिए इसकी। और ये वेलवेट, अगर मैं ये कहूं कि ब्लू वाले की वेलवेट इतनी हैवी नहीं है, लेकिन इसकी वेलवेट बहुत हैवी है और बहुत अच्छा है। ये प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। और बाजू से मुझे लूज है, खुला है, तो ये कोई यहाँ पे लाइनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना चुभने वाला भी नहीं है, ये प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड है। और जो इसके फ्रंट पे है वहां पे आपको हाफ यहां तक, मींस यहां तक आपको लाइनिंग मिल जाएगी, मींस अस्तर लगा हुआ होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड आपको अस्तर लगा हुआ होगा ताकि ये आपको अगर चुभे ना। ठीक है, और वैसे चुभता नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, बहुत अच्छा लगता है ये भी पहना हुआ। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये इसका बॉटम है, ये भी इलास्टिक है और स्ट्रेट है। ठीक है, और ये इसके नीचे ऐसे प्रॉपर, ये इसके बैक पे नीचे, मतलब बॉटम के नीचे ये लगा हुआ है। ठीक है, बॉटम थोड़ा सा लेंथ वाइज लंबा है, अगर अगर आप उससे लंबे भी हैं तब भी ये आपको बहुत अच्छे से आएगा। मेरी हाइट 5'1" है। ठीक है, 5'1" पॉइंट कुछ है, तो मुझे थोड़ा सा लंबा है, मींस अगर इतना कम कर दिया जाए तो पूरा आएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है और फिटिंग बहुत अच्छी आई है इनकी। और इसके साथ ही ये है दुपट्टा कह लीजिए, स्टॉल कह लीजिए, शॉल कह लीजिए, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत अच्छी है। ये देखिए इतनी इसकी विड्थ है। ठीक है, और ये ऐसे एम्ब्रॉयडरी जो है ये इसकी पूरी आपको फोर साइडेड मिलेगी, और ये जो पाइपिंग है ये भी आपको फोर साइडेड पे मिलेगी। सेम ही कलर है, सेम ही स्टफ है, बहुत ही अच्छा है। ये अंडर 1500 है। जो भी इनके प्राइजेस होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और सबके लिंक्स जो हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी, ये दोनों ही मस्ट बाय हैं, मीन्स सब कुछ ही जो मैंने आपको दिखाया है आपको मैरिजेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने जो सूट भी वियर किया हुआ है ये रेयॉन का है, इसका भी वीडियो आ चुका हुआ है, इवन कि आफ्टर वॉश भी, ये भी मैंने मिशो से ही लिया था। तो आप ये इनके ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं खुद डाला है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा। ठीक है, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।